पाकिस्तान में पिछले कई दिनों से जारी सियासी कलह के बाद आखिरकार शहबाज शरीफ मुल्क के नए प्रधानमंत्री चुन लिए गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष शरीफ ने पीएम पद के रूप में शपथ ले ली है। इमरान खान को सत्ता से बेदखल करने के बाद शरीफ देश के नए पीएम चुने गए हैं। शहबाज शरीफ को दुनिया भर के देशों के शीर्ष नेताओं से बधाइयां मिल रही हैं। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पड़ोसी मुल्क के नए वजीर आजम को शुभकामनाएं दी और साथ ही उनके कश्मीर राग पर भी करारा जवाब दिया। पीएम मोदी ने पाकिस्तान के नव निर्वाचित प्रधानमंत्री शहबाज को ट्वीट कर बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई। भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहता है जो आतंकवाद से मुक्त हो, ताकि हम अपनी विकास चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित कर सके और अपने लोगों की भलाई एवं समृद्धि सुनिश्चित कर सके। शहबाज शरीफ को बधाई देते वक्त पीएम मोदी द्वारा आतंक और शांति का जिक्र करना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पीएम बनते ही शहबाज शरीफ ने कश्मीर राग अलापा था। शहबाज शरीफ ने कहा था कि हम बदकिस्मती से भारत से बेहतर संबंध नहीं बना सके। हम भारत से बेहतर संबंध चाहते हैं, लेकिन कश्मीर के मसले को हल किए बिना अमन कायम नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, शरीफ ने ये भी कहा कि नवाज शरीफ ने भारत से बेहतर संबंध चाहा था। अगस्त 2019 में कश्मीर के साथ जो हुआ, आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया गया, हमने कोई कदम नहीं उठाया। पाकिस्तान ने कश्मीर मसले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया कि कश्मीरियों के साथ क्या हश्र हो रहा है। कश्मीर की वादी में कश्मीरियों का खून बह रहा है, वहाँ की वादी कश्मीरियों के खून से सुर्ख हो गई है। शहबाज शरीफ के इसी बयान को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ने बधाई के साथ साथ शहबाज शरीफ को करारा जवाब भी दिया है। बता दें कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने पीएम बनते ही भारत और कश्मीर को लेकर बयान दिया था। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बधाई दी, साथ ही उन्होंने भी एक संदेश दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि अपने पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री को यही संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने यहाँ आतंकवाद पर लगाम लगाने में कामयाबी हासिल करें। हमारी उनको शुभकामनाएं हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान के हुक्मरानों की अलग समस्या है, अपने लोगों को खुश करने, कश्मीर पर प्रोपेगेंडा फैलाने, मुसलमानों का हितैषी दिखाने का ढोंग जरूर करते हैं। इमरान खान क्रिकेट की दुनिया से राजनीति के शिखर पर पहुंचे थे तो ऐसी उम्मीद की गई कि शायद वो पहले के नेताओं से अलग नई लकीर खींचे, लेकिन वो भारत पाकिस्तान के रिश्तों को और कमजोर करके चले गए। अब शहबाज को भी समझना होगा कि अगर पीएम मोदी नवाज शरीफ को अपने शपथ ग्रहण में बुला सकते हैं, अचानक लाहौर उतरकर पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होकर सकारात्मक संदेश दे सकते हैं, तो पाकिस्तान को भी एक कदम बढ़ाना होगा, क्योंकि भारत साफ साफ कह चुका है कि आतंक से अमन का रास्ता नहीं बनता। उम्मीद की जानी चाहिए कि शहबाज शरीफ को ये बात समझ में आएगी। देखना होगा कि शहबाज शरीफ भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को किस तरह से नई उम्मीद की किरण देते हैं। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।